कैदी और कोकिला पाठ के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मोहन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो मोहन शब्द का प्रयोग यहाँ महात्मा गांधी के लिए किया गया है। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है, नरभर संचार का क्या आशय है? कविता में लाइन्स आई हैं नरभर संचार, तो इसका क्या आशय है? इसका आशय है मुक्ति, इसका आशय है मुक्ति, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, कवि ने कोयल के स्वर को चमकीले गीत क्यों कहा है? क्यों कहा है चमकीले गीत? इसलिए कहा है क्योंकि वह ओज एवं संघर्ष के भाव से युक्त है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। आप ये प्रश्न स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स भी बना सकते हैं। फिर हमारा प्रश्न आ जाता है, शासन की करनी भी काली, इससे क्या अभिप्राय है? शासन की करनी यानी कैसा कार्य करते थे अंग्रेज लोग, तो शासन की जो अन्याय भावना है, काली का मतलब बुरी भावना से जो काम किया जाता है, तो शासन की अन्याय की भावना जो है उसको कैसा बताया है? शासन की करनी भी काली, अंग्रेजों की बात यहाँ पर चल रही है। उसके बाद प्रश्न आता है, कवि ने कौन सा गहना पहना हुआ था? तो कवि ने यहाँ पर हथकड़ी पहनी हुई थी और वो अंग्रेजों की जेल में था, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कवि ने कौन सा गहना पहना हुआ था? तो हथकड़ी पहनी हुई थी। प्रश्न है, कैदी और कोकिला के लेखक कौन हैं? कैदी और कोकिला पाठ के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी, ये इसके लेखक हैं, आप याद रखिए। उसके बाद प्रश्न आ जाएगा, श्री माखनलाल चतुर्वेदी किस प्रदेश के रहने वाले थे? तो वह मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। प्रश्न है, श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने सबसे पहले किस पत्रिका का संपादन आरंभ किया था? प्रभा का, प्रभा नाम की पत्रिका था, उसके वो एडिटर थे। उसके बाद प्रश्न आता है, श्री माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम क्या है? उनका उपनाम है एक भारतीय आत्मा। तो इस तरह से एक और प्रश्न आता है, श्री माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं में कौन सा प्रमुख भाव व्यक्त हुआ है? यहाँ पर उनकी आप कविता पढ़ेंगे कैदी और कोकिला, इसके अलावा और भी कविताओं में उनका राष्ट्रीय भक्ति जो है, राष्ट्र के प्रति भाव जो है, राष्ट्रीय भाव व्यक्त होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। उसके बाद प्रश्न आएगा, कवि को रात में कौन निराश करके चला गया? यहाँ पर हिमकर यानी चांद होता है, तो चांद जो था कवि को निराश करके चला गया था, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही जवाब है। हिमकर का तात्पर्य होता है चांद, वह कवि को निराश करके चला गया था। उसके बाद प्रश्न आता है, कवि ने कालीमा मई किसे कहा है? कालीमा मई कहा है यहाँ पर कोयल को, कोयल को कहा है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है? यहाँ पर पंक्ति में प्रमुख विषय क्या है? तो अंग्रेजी शासन का जो अन्याय था उसके बारे में बात चल रही है, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही जवाब है। आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और साथ में नोट भी कर सकते हो। तो उसके बाद हमारा प्रश्न आता है, कवि ने कोयल की आवाज़ को हुक क्यों कहा है? हुक क्यों कहा है? क्योंकि उसमें
निराशा है, वेदना है, हुक शब्द जो होता है निराशा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही जवाब है। आज हमने कैदी और कोकिला इस कविता के प्रश्नोत्तर किए हैं। अगर आपको इसी तरह के सारे प्रश्नों के आंसर्स चाहिए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक भी कर सकते हैं। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वन लाइनर्स के जो कुछ आपके वीडियोस हैं उनके लिंक मैंने पेस्ट किए हैं। और इसके अलावा भी इस चैप्टर से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।